सुभानअल्लाह। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप अच्छी हैं? बहुत। मुझे तो आप वैसे ही बड़ी अच्छी लगती हैं। थैंक यू। टेनिस बड़ा कमाल है वैसे आपका। थैंक यू। अच्छा मेरे को ये बताइए आपका फेवरेट एक्टर कौन है? जरा देख के लेफ्ट में कोई बैठे हैं। सोचिए। ये आपने पढ़ा हुआ है? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ जी, मैं तो ऐसे ही बोल देता हूँ जो मन में आता है। पढ़ो लिख के बड़ा किसी ने कुछ बोला। अक्षय कुमार। क्या बात है सर। पर मुझे मत देखो आप ऐसे तैसे ही आज आपने थैंक यू वेरी मच कर दिया ना। सर एक बार तो बात और करूंगा मैं। सर, सर दो दिल्ली वाले मिल जाए मेरा हाथ उठ गया। अच्छा आप इतनी तेज, आप क्यों इतने बादाम खाते हो? आपने मेरी एक तो हाथ ऐसे तोड़ा है ना मेरा। अच्छा सॉरी सर, ये वाला माइक ऑन कर देंगे, कोई बात नहीं। कैसे सर? बहुत बढ़िया। कुछ वो तेरे पर है ना अपना? और ये वाला ऑन कर दिया सर। आपकी बात मानते, मेरी बात नहीं मान रहे सर। सर ये आपने पर्स अपने सामने क्यों रखा हुआ है? जी इनका। आपका? कमबख्तों मेरे माइक में जंग लगा हुआ है, ऑन करो इसको। सर एक बार बोल दो, मेरा माइक बंद कर रहे हैं सर। ये इस्तेमाल कर सर, इससे कर लेते हैं सर। वैसे आप इतना एक्शन करते हैं सर, थोड़ी टिप्स मुझे भी दीजिए प्लीज। कैसे टिप्स ये बताए सर? एक्शन के कैसे एक्शन करूं मैं सबसे पहले? अच्छा खाएं, सोएं, माँ के हाथ का बना हुआ खाएं, और उसके बाद सेहत बनाएं। बाहर जाके वड़ा पाव या ये जो गंदी गंदी चीजें खाते हो। सर बड़ी गंदे, मैं तो खाते नहीं सर। मैं तो वड़ा पाव तो बहुत बढ़िया चीज सर, वो तो मैं खाता हूँ सर, लेकिन बाहर की मत खाया करो। बाहर की नहीं सर, मैं बाहर से लेके घर में आके अंदर खाता हूँ। घर का खाया करो, उसके बाद आपकी सेहत बनेगी। जो पतली सी टांगे हैं वो सेहतमंद बनेंगी। सर एक्चुअली टांगे मेरी पतली हो गई, पहले मेरी टांगों पे बहुत बाल थे सर, जब से शेव किए टांगे पतली हो गई हैं सर। सर मैंने उनको बोला टांगे शेव कर दो, कहते हैं सर घास काटने वाली मशीन लाओ। ये इतनी बकवास करते हो इसलिए कोई सुनता नहीं तुम्हारी बात। नीचे झुक के क्या देखोगे? मेरे चरण, बेटे चरण यहाँ तक नहीं, नीचे तक होते हैं। चरण गलत सीखते हो बेटे। इससे पहले कि तू मार खाए तू वहाँ पे वापस आ। नहीं नहीं रहने दो इसको, इसे बड़े दिन हो गए। मैं टीवी पे जब देखता हूँ ये लोगों की पकड़ता खींचता नहीं दे रहे मुझे इनको, पता माइक नहीं दे दो उसे दो चार। बड़ा अच्छा लगा आज आपने जो मेरा हौसला बढ़ाया ना, आपको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा उसके लिए। मैं मम्मी आई मेरी उनके सामने, आपने बेइज्जतियां करी है मेरी। कोई बात नहीं सर, चॉकलेट खाइए। सर आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? न्यू ईयर रेजोल्यूशन कोई जरूरत ही नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। आपका क्या है वैसे? सर हेल्दी खाऊंगा, मम्मी के हाथ का खाना खाऊंगा, वड़े पाव नहीं खाऊंगा बाहर से, घर लेके आऊंगा, अंदर बैठ के खाऊंगा। थैंक यू सर, कुछ तो मीठा खिलाया आपने मुझे। हम आज इस ठंडी सर्दी वाली रात को इतनी हॉट बना देंगे, इतनी हॉट बना देंगे कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि फैन चलाए या फिर एसी चलाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है लेडीज एंड जेंटलमैन कि आज हम लोग दोनों पहली बार एक साथ ये अवार्ड फंक्शन होस्ट कर रहे हैं, तो अगर हम दोनों एक दूसरे में खो जाए, कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हो, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो, अगर हम लोग कहीं रुक जाए, कहीं फ्रीज हो जाए, कुछ तो अगर कुछ गलतियां हो जाए तो हमें प्लीज माफ कर दीजिए। एब्सोल्युटली। सॉरी, लेट्स हैव अ बिग लेडीज एंड जेंटलमैन, कम ऑन एवरीबॉडी। ये है इस साल के सबसे बड़े अवार्ड, क्योंकि ये अवार्ड जनता ने दिया है। जिसने जनता को एंटरटेन किया उसका सम्मान किया जाएगा, और साथ में हम करेंगे पार्टी। व्हाटएवर हैपेंस स्टॉप नॉट। और एक बात तो हम आपसे कहना भूल ही गए, नया साल आएगा, लेकिन नया साल लाएगा कौन? नया साल लाएगा सलमान खान, और वो भी एक बार नहीं, तीन तीन बार। ये स्टार प्लस का शो है भाई, या रिश्ता वही है लेकिन सोच नई है। एब्सोल्युटली, तो इसी नई सोच के साथ आज हम नए साल का स्वागत करेंगे, लेकिन
उससे पहले स्वागत कीजिए एक दीवाने का। लड़के गिर जाते हैं, बाइक क्यों नहीं गिरेगी? मेरा दोस्त और एमी, मेरी हम प्रतीक, कोई नहीं, तुम मुझे मिल लो, इट्स ओके। प्रतीक, हाउ आर यू? वेलकम वेलकम टू द पार्टी प्रतीक, वेलकम टू द पार्टी। प्रतीक, आजकल हम लोग एक चीज सुन रहे हैं, तू तो एमी 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 लुट गया यार। यही तो मैं कहते कहते थक गया हूं श्रेयस। क्या हुआ, क्या हुआ यार, क्या कुछ प्रॉब्लम है? ये सुनती नहीं है। सुनती नहीं यार, ये सुनती नहीं है यार, कौन सा मॉडल है ये? ओए, अरे नहीं, मतलब बाइक कौन सा मॉडल है भाई? इतनी अच्छी बाइक है, इतनी बड़ी बाइक लेके घूम रहे हो तो फिर भी लड़की सुनती नहीं, ऐसा नहीं हो सकता यार। देख, अगर बाइक से लड़की पट जाती है ना, तो जॉन इब्राहिम की अब तक काफी शादियां हो चुकी होती है। करेक्ट। तलपड़े जरा, आप जरा इधर आ, मैं तुम्हें बता दूं एक आइडिया मेरे पास। ओके, तुम मुझे ये बताओ तुम्हारे घुटनों में कितनी ताकत? दिखाओ दिखाओ। ओहो, नहीं, नहीं ताकत वाले। देखो, अब इन घुटनों पर अपने मोहब्बत का बोझ, अपनी दीवानगी का बोझ डाल दो, डाल दो। इनका वैसे भी कुछ नहीं होना, डाल डाल दो। प्रतीक, जरा जैकेट उतार दो। उतार दो? हाँ उतार दो, उतार दो। हाँ हाँ, ये बात हुई ना, लाओ लाओ जैकेट। हाँ, ये बाइसेप जो है थोड़ा दिखाते हुए। एमी, एमी, मैं तुमसे प्यार कर, एमी, अरे सुनो 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 प्रतीक, क्या है एक्चुअली, लड़कियां 12-12 सोमवार का व्रत करती हैं अपने मन की मीत को पाने के लिए, तो कुछ और करना पड़ेगा ना। शेयर्स, मुझे क्या करना होगा? देख, अपना अपना स्टाइल होता है, क्या है? हाँ। मैंने जब अपने वाइफ को पटाया था ना, तब मैंने काफी गाने वाने गाए, और जब तक वो मिस से मिसेस हो नहीं गई थी ना, तब तक मैंने अपना चित्रहार जारी रखा था, तो अपनी फिल्म का गाना सुना दो यार, है दीवाना था जिसका दिल तुम्हें यू ही दुखाना था, और ये गाना फसाना हमारा था। एक टीवी पे कौन रहा बिग स्टार, मोस्ट एंटरटेनिंग टीवी डांसर? And the big star, most entertaining dancer, TV, goes to... Unconcerned for Just Dance. Congratulations! Aur ab, big star, most entertaining TV series, fiction. And the nominees are... Chal, main chalta hun tere saath. Balika Vadhu, Colors. करेक्ट है, तो आप और मैडम भी दोस्त होंगी? हाँ जी, आप और मैडम भी दोस्त होंगी? एक्चुअली हम हैं। हैं? जी, फिर से हंस लीजिए एक बार, अच्छा लगता है। अनुष्का जी, आप दोस्त हैं? अब अनुष्का शर्मा रही है। नो सीरियसली, अमेजिंग वॉइस, और दुआ करता हूं कि आप अपने सिंगिंग करियर के अंदर एक्टिंग करियर से बहुत आगे निकल जाएं। या ये दुआ थी या बद्दुआ थी? मिक्स्ड। दोनों ही लेवल पर आप, दोनों ही, दोनों के लिए दुआ कर दीजिए। दोनों दोनों अच्छा, दोनों बहुत अच्छा हो जाए आपके लिए। बस तो फिर आपने बहुत अच्छा किया, थैंक यू वेरी मच, और जाके बैठिए, तीन रिएक्शन दीजिए और फिर आप फ्री हैं, जहां जाना है आप जाइए। थैंक यू।
अगला अवार्ड है फॉर बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल. और मुझे सपोर्ट करने के लिए मैं कॉल ऑन स्टेज विद्या बालन. मैंने जब इन्हें पहली बार देखा था, आपको याद है वो लम्हा जब मैंने आपको पहली बार देखा था? क्योंकि मुझे याद नहीं है. आई थिंक कहीं एम्स्टरडैम के अंदर मुलाकात हुई थी, आप और आपके फादर थे. जी, आपने उनके लिए गाना गाया था. कौन सा? वही ओ बालन हारे निर्वर हो जाने तेरे बिना मेरा कौन नहीं. बिल्कुल. आई स्वेर The father was shocked. ये क्या हो गया भाई? But he was very sporting and he started singing with me and then we got along fine. And then ये शादी कर लिया आपने. बुलाया तक नहीं. शर्म आनी चाहिए. मैंने बड़े-बड़े लड्डू भेजे थे. बड़े-बड़े लड्डू. अच्छा मुझे बात बताइए. पूछिए. के शादी के बाद कैसा लग रहा है आपको? इनकी लाइफ में तो एंटरटेनमेंट 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 ही होगा अभी. शादी के बाद तो लगता है कि मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे जो पसंद है, उसका मजा सिर्फ रात को ही आता है. क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेरे हस्बैंड जो हैं सिद्धार्थ रॉय कपूर, वो सुबह बहुत जल्दी ऑफिस चले जाते हैं और रात को जब लौटते हैं, करने की कोई जरूरत नहीं है. हम सबको पता है कि आप के मायने क्या थे. हम खाना खाते हैं भाई. That's it. तो फिर शादी क्यों की आपने? I don't understand this. Does anybody हाथ ऊपर उठाइए कि शादी किसने खाना खाने के लिए की है? यहां पर आपने खाना खाने के लिए शादी की है? No, but seriously tell me that we see her on screen and आपने शादी कर ली. तो जो स्क्रीन पे दिखती है विद्या और जो घर में है, कितनी डिफरेंट है दोनों? सेम है? रियली सेम? अरे कोई माइक दो यार, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं. वो बर्फी के बाद सिर्फ इशारों में ही बात करने लगे. बर्फी के बाद या शादी के बाद? आपको लड्डू भेजने के बाद. लड्डू भेजेंगे आप मुझे? इनके हाथ के बनाए हुए लड्डू? बेसन के लड्डू? मोती चूर. मोती चूर के लड्डू? हाय हाय, आप मोती चूर के लड्डू भी बनाते? ये सब आपने पहले क्यों नहीं बताया? इसके जवाब में मैं क्या कहूँ? ये के मोती चूर के लड्डू ये खिला रहे हैं और आप हमारे दिल को चकना चूर किए जा रही हैं. आए हाय हाय हाय, सुनकर बड़ा अच्छा लगा. थैंक यू. थैंक यू विद्या. अगर आपकी परमिशन हो तो मैं किसी को बुलाना चाहता हूँ. बुला सकता हूँ? कोई दूसरी एक्ट्रेस तो नहीं? इधर, इधर. आगे देखिए सलमान का शरारती अंदाज. भाई नहीं, घर तो छोड़ाओ. नहीं नहीं ना ना ना, घर तो छोड़ाओ. मर्डर थ्री में तेरा मर्डर कर देगी वो. बोल बच्चन अभिषेक का दमदार परफॉर्मेंस. जान ले लो ना जान ले. विद्या, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं किसी को बुलाना चाहता हूँ. बुला सकता हूँ? कोई दूसरी एक्ट्रेस तो नहीं? ना ना ना, बिल्कुल नहीं. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को ऑफ रेनो जी, मिस्टर सुमित सहानी को बुलाना चाहता हूं. मिस्टर सहानी, वेलकम टू रेनो स्टार गिल्ड अवार्ड्स. मिस्टर सहानी बताइए, 114 इयर्स ऑफ ऑटोमोबाइल हेरिटेज और नाउ ऑलमोस्ट 2 इयर्स इन इंडिया, हाउ आर थिंग्स? सलमान, थिंग्स आर रियली ग्रेट. 5 नई गाड़ियां, 100 से ज्यादा डीलरशिप्स और 30 अवार्ड्स. वाह. सो रेनो आज इंडिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग नेम प्लेट है.
परफॉर्मेंस जो है वो रेनो के डीएनए में है, चाहे फॉर्मूला वन हो, चाहे डिजाइन हो, चाहे फ्यूल एफिशिएंसी हो, एग्जैक्टली जैसे विद्या बालन हो. एब्सोल्युटली. जैसे कि परफॉर्मेंस आपके डीएनए में भी है, एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर्स. बट इट्स अ ग्रेट मोमेंट एंड आई हैव अ क्वेश्चन. यू नो यू रियली इंस्पायर मी. थैंक यू सर. सो आपकी जो दूसरी साइड है परफॉर्मेंस की, विच इज द फिलेंथ्रोफिक वर्क यू आर डूइंग विद योर फाउंडेशन बीइंग ह्यूमन, कुछ उसके बारे में मेरे को बताइए. व्हाट रियली ड्राइव्स यू फॉर दैट? सर पता नहीं व्हाट ड्राइव्स मी फॉर दैट, लेकिन अगर आपकी गाड़ी हमारे बीइंग ह्यूमन शोरूम के बाहर खड़ी होगी और अगर एक गाड़ी आप वहां पर हमको ऐसा बेच बिचा के कुछ फंड रेजिंग कर देते हैं और हमको वो बीइंग ह्यूमन में पैसे दे देते हैं, तो सर आप धन्य हो हमारे लिए. आप बताइए, आप स्कीम निकालिए कुछ. आई एम वेटिंग सर. जरूर सलमान, जैसे मैंने आपको बोला परफॉर्मेंस आपके डीएनए में है, परफॉर्मेंस रेनो के डीएनए में है और आज आप बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं. सो ऑब्वियसली बीइंग ह्यूमन इज रियली एन इंस्पायरिंग आई वुड से एन इंस्टीट्यूशन ड्यूली सपोर्टेड बाय यू. रेनो की तरफ से जैसा आपने बोला, वी वुड लाइक टू गिव अ रेनो कार टू बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन एंड ऑब्वियसली यू नो फॉर द फंड रेजिंग. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अब हम देने जा रहे हैं द अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन अ supporting role. Nominees for best actor in a supporting role are Anu Kapoor, Vicky Donor, tumhari family life spoil, desh ki raksha, Nawazuddin Siddiqui, kahani, Vidya Bagh ko qurban karna pada, wo bhi sahi, Piyush Mishra, Gangs of Wasseypur, ki mere aur Nagma ke beech jo hote hote reh gaya tha, Nawazuddin Siddiqui, Talash, mere ko 50 lakh mangta hai, kya kiya isne, Saurabh Shukla, Barfi, hamara waste jo tha 52 tha abhi 42 ho gaya hai, puchta hai kya kiya. The Reno Star Guild Award for the best actor in the supporting role goes to Anu Kapoor for Vicky Donor. Wow! Thank you very much. Jai Hind, Vande Mataram. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Ab baari hai hamari next performer ki. One of the most fun people in the industry and a superb guy by heart. Please welcome Mr. Bachchan, Abhishek Bachchan. जो परफॉर्मेंस है, हेलो और सो मच. कम गर्ल्स कम आ गए, पैसे दिए आगे आओ थोड़ा. वेरी गुड इवनिंग टू 61st फिल्म फेयर.
ये क्या बकवास सी एंट्री की है तुमने यार। बकवास एंट्री भाई, चार लड़कियों के साथ आया और क्या मोदी साहब को ले आऊं? इतनी अच्छी एंट्री तो ली है मैंने। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था, मैं लड़कियों से पूछ रहा था। यू कुड हैव कम विद समवन बेटर, सम बिग स्टार। भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मेरे मोहल्ले में रहती हैं, इनके लिए मैं ही शाहरुख खान हूँ। गर्ल्स थैंक यू सो मच फॉर एस्कॉर्टिंग मी। बताओ मुझको कैसा लग रहा है फिल्म फेयर के इस बड़े खूबसूरत सेट पर आकर। शायद आपको पता नहीं है, लास्ट ईयर मैं और करण जौहर साथ में होस्ट कर चुके हैं। मुझे पता है, इसलिए इस्लाम मुझे बुलाया गया है। तो फिर करण का परफॉर्मेंस खराब हुआ ना, मुझे तो नहीं रिप्लेस किया ना। करण का परफॉर्मेंस खराब हो ही नहीं सकता है, मैं उसको बरसों से जानता हूं। सर मैं होस्टिंग की बात कर रहा हूं। मैं भी डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। वैसे भाई एक बात है, इंडस्ट्री में रेसिज्म बहुत ज्यादा है। रियली क्यों? लास्ट ईयर जब मैं और करण सर होस्ट कर रहे थे, इतना बड़ा सेट था ही नहीं। आज आप होस्ट कर रहे हो तो इतना बड़ा ग्रेंजर शानदार सेट लगा के दिया आपको यार। तूने एक बात नोट नहीं की क्या? शानदार होने के बावजूद भी अच्छा है। आई एम सॉरी, मुझे ऐसे जोक करने नहीं चाहिए। कल मुझे ना आलिया और शाहिद से आके मुझको माफी मांगनी पड़ेगी। वैसे आपको फिल्म फेयर होस्ट करने की जरूरत क्या है? आधे से ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड्स तो आपके घर पे पड़े हुए हैं। आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि फिल्म फेयर की जो ट्रॉफी है, पहले इसकी शेप ऐसी नहीं होती थी जैसे आज है। आजकल ऐसे है ना, ये हाथ पकड़ के यूं खड़ी है। पहले ऐसे होती थी फिल्म फेयर की ट्रॉफी की शेप। शाहरुख भाई ने इतनी फिल्म फेयर जीत ली, इतनी, और ट्रॉफी ने खुद ही शेप ऐसी कर ली। कहती आजा बहन तू भी आजा। मैं तो शाहरुख के घर में बरसों से हूँ, तू कैसे आई? मैं तो बाजीगर के लिए आई, तू मैं दिल वाले। रुला अहमद यार, आंखों में आंसू आ जाएंगे। इस साल कोई भी ट्रॉफी नहीं दे रहे मुझको। मतलब आज हिस्ट्री क्रिएट होगी कि शाहरुख खान हमेशा अवार्ड लेते रहे, आज लोग आपके हाथ से अवार्ड लेंगे। मेरे हाथ से? और थैंक यू। कपिल तुमसे पूछना चाह रहा था कि तुम्हारी इस साल की फेवरेट फिल्म कौन सी? ऑफकोर्स दिल वाले, पर वो क्रिटिक्स कुछ बोल रहे थे। नहीं, वो क्या है, वो क्रिटिक्स का जो है ना, मुझसे थोड़ा ज्यादा ही प्यार है। एक्चुअली उन्होंने जब मेरी शादी का भी वीडियो देखा था ना, उसे केवल 2 स्टार्स दिए थे। हाँ, बोलने लगे कुछ नया नहीं है, वही दूल्हा वही दुल्हन वही साथ फेरे, सेम स्टोरी है। उनका मेरे साथ थोड़ा सा ऐसा प्यासा था। शाहरुख भाई नाना करते भी आपने आज कुछ ज्यादा बोल दिया है, कल फिर आपको सॉरी बोलना पड़ेगा। मेरा यही प्रॉब्लम है यार, मेरा मुंह रुकता नहीं है, निकल जाता है, इसलिए मैंने तुमको यहाँ पर बुलाया। पता, मैं संडे के संडे ना बच्चों के लिए कभी कभी खाना बनाता हूँ। आई नो। हाँ, तो और उनसे मैं पूछता हूँ कि तुम क्या क्या चाहते हो, मैं क्या बनाऊं? तो कहते पापा कुछ भी बनाना, इस बार ब्रेकिंग न्यूज मत बनाना। वैसे आपको पता शाहरुख भाई, मैं बहुत अच्छा रोमांस करने वाला था, मेरे हाथ थोड़े से खुल भी गए थे। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार जिस काम में बड़े भाई का अच्छा दुकान चल रहा है, मैं क्यों हाथ डालूं? बस यही सोचकर मैंने भी टीवी पर कॉमेडी नहीं की। मैंने कहा छोटे भाई का घर चल रहा है जिस काम से, उसमें मैं हाथ क्यों डालूं? जवाब जरूर देना ना आपने। वैसे मैं आप सबको बताना चाहता हूं, मेरी फिल्म में एक बहुत ही अच्छा रोमांटिक सॉन्ग था, तू हीर मेरी। मैं थोड़ा सा गा के सुनाता हूं आपको। तू हीर मेरी, तू जिस्म मेरा, क्या बात, मैं रांझा हूं, वाह, लिबास तेरा। मैं चाहता हूं भाई आप मुझे इस गाने पे थोड़ा सा परफॉर्म करके बताएं कि अगर शाहरुख भाई ऐसा करते तो जाहिर सी बात है, मतलब ही इज अ रोमांस किंग, तो यहां पे मैं आपको बकायदा कंपनी देता हूं। ओके, ओके, मैं खुद नहीं, जैसा जैसा आपको ओरिजिनल लड़की देता हूं। ओके जी, मैं एक सेकंड, मैं इधर देखता हूं, मेरे को दोस्त है नीचे। ओके, चाहते हैं मैं यहां पे किनको इनवाइट करूं शाहरुख भाई के साथ रोमांस करने के लिए? मुझे क्लियर नहीं सुन रहा है, सुनेगा भी नहीं। ओके, माधुरी मैम, डॉक्टर नेने, हाउ आर यू? एक तो ना डॉक्टर नेने हमेशा साथ रहते हैं, माधुरी हमें डर लगता है कुछ बोलने में, इतना बड़ा इंजेक्शन लेके चलते हैं सूटकेस में कि किसने मेरी बीवी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की, ठोक देते हैं, पूछते भी नहीं है। वेलकम सर। अच्छा बड़ा फायदा हुआ, डॉक्टर नेने को ज्यादा हिंदी समझ में आती नहीं, तो थोड़ा मैं बोल के बच के निकल जाता हूं। माधुरी मैम, मैं चाहता हूं कि प्लीज आप 2 मिनट के लिए मंच पे आए, क्योंकि हर कोई आपका दीवाना है, आपको देखना चाहता है, आप
कमाल लग रही हैं हमेशा की तरह। माधुरी दीक्षित जी के लिए जोरदार तालियां। स्टेज तक जाते जाते तो मैं कर ही सकता हूं। तुहीन मेरी, तु जिस्म मेरा। आइए मैम। तो शरद भाई माइक मुझे दे दीजिए, आप काम पे लग जाइए। भाई साहब गाना बंद हो गया, वो इंजेक्शन भरना शुरू कर दिया उन्होंने। इस साल तो अपने परफॉर्मेंस की वजह से मैं भी काफी न्यूज में रहा हूँ। हाँ मैंने देखी तेरी परफॉर्मेंस यार, अपनी बीवियों को ऐसे हक कर रहा जैसे दूसरों की बीवी है। मुझे देख, मैं दूसरों की बीवी को ऐसे हक करता हूँ जैसी मेरी अपनी है। तो अगर वो पंजाबी में बनाई जाए तो उनके टाइटल्स क्या होंगे? आयरन मैन, लोहे का बंदा, टाइटैनिक, बेड़ा गर्क, बट ग्रुप, जो लिटरल ट्रांसलेशन करते हैं लिरिक्स के, कि आप लोगों को समझ आ जाए। और तू ना कुछ डांस नहीं करना, बस मुझको फॉलो करते रहना और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं वैसे भी आपको फॉलो कर रहा हूं कई सालों से। बचावत ग्रुप विच परफॉर्म्स लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ लिरिक्स इन हिंदी एंड इन इंग्लिश, सो प्रेजेंटिंग हियर, लेट्स गो। ओके, 1, 2, 3। दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिल वाले नहीं। धूप से निकल के छांव से फिसल के हम मिले जहां पर लम्हा थम गया। निकली है दिल से ये दुआ, रंगते तुम हो गेरुआ। मैंने लिखा था सौ दफा लफ्जों में जो कुछ हुआ ना हो तो से बाया कि मैं नहीं तेरा। सफाई मत कर रहे, वो कर लेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, द नेक्स्ट अवार्ड दैट इज बीइंग गिवन इज फॉर बेस्ट लिरिक्स एंड द नॉमिनीज फॉर द बेस्ट लिरिक्स आर माय सन हर्षवर्धन कपूर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या है? इट्स अ स्पेशल अवार्ड आपके लिए, प्यार से मैंने बनाया। आराम से खोलिए, हमने बड़े महंगी वेलवेट लगवाई है, बॉम्बे से मंगवाई हमने। बहुत महंगा पड़ गया ये बॉम्बे का वेलवेट। अरे सर ये तो आपका प्यार है, मुझे पता है आजकल आप रात रात भर जाग के मेरे लिए फिल्में लिख रहे हैं। हाँ लिख तो रहा हूँ, और फिल्म का नाम है भाऊजी सताएबा, पड़ोसन बनाए मौसम, चोली में चले गोली। सर मैं हॉलीवुड जाने की सोच रहा हूँ और आप भोजपुरी फिल्म में फंसे हुए आप। हाँ हाँ, तू वहां चला गया ना हॉलीवुड तो एंजेलिना जोली बोलने लगेगी, खसमानू खाने तेरा बेड़ा करक, तेनू कीड़े पड़े। सर आप कितनी अच्छी पंजाबी बोल रहे हैं। हाँ
अच्छा आपको अगर इतनी अच्छी पंजाबी आती है हाँ। मैं कुछ फिल्मों के नाम लेता हूँ हॉलीवुड हाँ। फिल्मों के हाँ। अगर वो पंजाबी में बनाई जाए हाँ। तो उनके टाइटल्स क्या होंगे मिशन इम्पॉसिबल काम नहीं हो सकता क्या बात है मिशन इम्पॉसिबल टू काम बिल्कुल नहीं हो सकता क्या बात है सर मिशन इम्पॉसिबल थ्री अरे बोल दिया काम नहीं हो सकता बार बार बोलते रहते हो तुम बच्चे की जान लोगे क्या वेरी नाइस करण सर ओके आयरन मैन लोहे का बंदा टाइटैनिक बेड़ा गर्क वेरी नाइस ब्रो नाउ आई एम श्योर यू कैन टेक केयर ऑफ बॉलीवुड आई विल गो टू हॉलीवुड नाउ तू भी बता दे ना तू कहाँ जा रहा है वहां जाकर बॉलीवुड की फिल्म्स के नाम इंग्लिश में क्या होंगे या व्हाई नॉट मैं आपसे शुरू करूं या व्हाई नॉट ऑलराइट स्ट्रेट लेट्स गो इंग्लिश में क्या होंगे सो टेल मी एट द काउंट ऑफ थ्री 3 2 1 किस किस से प्यार करूं बूम बूम आई लव मर्दानी ए लेडी विद मस्टैचेस बाहुबली बाहुबली स्ट्रॉन्ग डॉटर इन लॉ मैं रहा हूं शानदार सॉरी शानदार मीन्स माइंड ब्लोइंग नो नो आई एम टेलिंग अकॉर्डिंग टू बॉक्स ऑफिस सही है कुछ कह भी नहीं सकता दम लगा के हशा वेरी सिंपल कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन या क्यों अमित सर लगता है इनको कभी हुई नहीं इनको पता नहीं सबसे ज्यादा दम वही लगता है दिस इज राइट आंसर ब्रो हवाई ज्यादा फाटमैन कपिल यार तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हुए हैं ऑडियंस में और तुम फाट की बात कर रहे हो सर फाट काम ही बड़े लोगों का गरीब आदमी को भरपेट खाना नसीब नहीं होता दे कांट अफोर्ड फाट सर पैसे वालों का काम है फिल्म फेयर अवार्ड्स हो या लेज मैं आप सबके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ एक्चुअली आज पहली बार ऐसा हुआ है कि फिल्म फेयर में जो हमारी ऑडियंस है अपने चहेते कलाकारों को देखने के लिए यहां पे आज आए हैं मैं आप सबके लिए मैं चाहूंगा कि आप खुद अपने लिए जोरदार ताली बजाएं मैं आप सबसे बात करना चाहता हूं बिकॉज आप लोग अपने चहेते स्टार्स को करीब से देखने के लिए उनसे बातें करने के लिए आए हैं और चहेता स्टार देखो कितना मतलब ही है दूर खड़ा होकर बोल रहा है मैं आप सबके पास आता हूं हाय हाउ आर यू शर्मा क्यों रहे हैं आप सर जी सर मैं आपसे बात करना चाहता आइए इधर ऐसा लग रहा है मैं जेल में मिलने आया हूं कैदी से आइए हाउ आर यू सर सबसे पहले तो ये बताइए आपने आज फिल्म फेयर में अपने किस चहेते स्टार को देखने के लिए टिकट लिया है कपिल शर्मा ओह माय गॉड प्लीज फिल्म फेयर से मेरा अनुरोध है कि इनको रिफंड कर दिया जाए मेरे दोस्त हैं इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स यहां पे मौजूद हैं मेरा नाम लिया तो सर कौन सी हीरोइन को देखने के लिए टिकट लिया आपने दीपिका पादुकोण मेरी मुंबई पुलिस से अनुरोध है इनको जेल में डाल दिया जाए आपको पता है मैं दीपू को कितना लाइक करता हूं शर्म फ्लर्ट कर रहे हैं रियली सॉरी रियली सर मैं नो आपने कितने का टिकट लिया है 2 लाख दो लाख का टिकट लिया आपने आप अकेले हैं कि आपकी वाइफ भी आई है वाइफ कहां है हेलो वाइफ जी उनकी वाइफ जी एक सेकेंड 2 लाख का आपका और 2 लाख का इनका टोटल 4 लाख रुपया दीपिका कैन यू हेयर मी वेज दीपिका शी इज वॉचिंग यू इन्होंने 4 लाख रुपया खर्च किया है आपको देखने के लिए इन्होंने 2 लाख किया इन्होंने पता नहीं आपने जो अपना 2 लाख है आपने किनको देखने के लिए खर्च किया है दीपिका पादुकोण मेरे को एक बात बताइए पहली बार जब आपकी शादी हुई आपको पहला गिफ्ट जो इन्होंने दिया था भाई साहब ने वो कितने का था
को देखने के लिए 4 लाख रुपए खर्च किया है, अपनी बीवी को आप बताइए सर, आपको तो याद होगा जो गिफ्ट दिया था वो 15,000 का था। ये देखिए कितनी बड़ी बात है, अपनी खुद की पर्सनल बीवी को इन्होंने 15,000 का गिफ्ट दिया और दीपिका को देखने के लिए 4 लाख रुपए। दीपू मेरी चॉइस बहुत अच्छी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप यहां पे आए, आप बहुत ही प्यारे लोग हैं, बहुत मजा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच मैम। यहां पे बहुत ही खूबसूरत लोग बैठे हुए हैं, हाय हाउ आर यू? आई एम गुड थैंक यू। आपने अपने किस चहेते हीरो को देखने के लिए आज फिल्म फेयर का टिकट लिया है? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह, आपको पता है दीपिका भी यही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप यहां पे आए, बहुत ही मजा आ रहा है आप सबको देख के। और मैं अपने जो फिल्म स्टार्स हैं, मैं उनको एक बात कहने जाता हूं सर, यहां पे जितने भी बॉलीवुड के फैंस हैं उनके मन में कुछ सवाल हैं। बच्चन साहब, उनके मन में ये सवाल था, उनके मन में, मेरे मन में बिल्कुल नहीं सर, वो ये जानना चाहते हैं कि ये जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स होते हैं क्या वो भी नॉर्मल लोगों जैसे काम करते हैं, जैसे कभी नहाते नहाते पतला वाला साबुन आपका टूट के गिर जाए और उसके 2 टुकड़े हो जाएं और उसको जोड़ के आपने कभी ऐसे लगाया सर, ऐसे वो पूछना चाहते हैं सर। मेरा सवाल नहीं है ये, ऐसे होता कभी नहाते नहाते गिर जाता ना सर पतला वाला साबुन, फिर आदमी जोड़ के करता है, देख तो रहा नहीं होता कि क्या कर रहे हैं आप अंदर, तो ऐसा होता है सर कभी? सर रोज होता है ये। मैं समझ गया एक्चुअली, क्योंकि आम आदमी का जो साबुन 10 दिन चलता है, बच्चन साहब का 3 दिन चलता है, एरिया बहुत ज्यादा है। जय मैम, हमारे हिंदुस्तान के जो चंद बड़े परिवार हैं, आप उस परिवार की मुखिया हैं। जैसे कभी कभी सही सवाल पूछना। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सही सवाल, कि जैसे जैसे मेरी मम्मी ऐसा कभी करती है कि शैंपू की बोतल में शैंपू खत्म हो गया तो उसको धो के उसमें सरसों का तेल डाल लेती हैं, कभी ऐसा ऐसा होता है मैम कभी? हमारे घर में नहीं। आपके घर में नहीं होता है सर, आप अपना साबुन का ध्यान रखा करें। मैम बहुत ध्यान रखती है इस चीज का, थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया। आपसे जब भी मुलाकात होती है एक समा बन जाता है सर, मैं जानबूझ के भी आता हूँ सर आपके पास, मेरी फुटेज लगती है ना तो मेरे मोहल्ले वाले खुश हो जाते हैं, मैं मोहल्ले में बड़ी अकड़ से जाता हूँ, फिर मैं अभी अपने पड़ोसियों से ज्यादा बात करता नहीं हूँ। मैंने कहा मैं बच्चन साहब से बात करूँ, तुम लोग जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्रणाम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है आप? मैम अपने फैंस को हाथ हिला दीजिए, वो बोल रहे हैं कब से। हाय, गुड इवनिंग, हाय मुंबई, यू हैविंग अ गुड टाइम? मैम एक बात पूछनी थी, आपके बाल बड़े खूबसूरत हैं, इशा कभी ऐसा हुआ है कि शैंपू खत्म होने वाला हो, आपके बालों को ज्यादा लगता हो, ऑब्वियसली बाल काफी घने हैं, तो थोड़ा पानी मिक्स करके हिला के यूज किया हो? हाँ, मेरे साथ तो सालों से ऐसे होता रहा है। शुक्रिया मैम इनसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया आपका, शुक्रिया। तो अभी आप लोग तैयार हैं एक जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए, तो जोर